नैनीताल जिले के हल्द्वानी में यातायात व्यवस्था को लेकर डीआईजी कुमाऊं नई कार्य योजना बनाने जा रहे हैं। डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसमें दूर दराज से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सुगम यातायात मिले इस पर कार्य किया जा रहा है। यदि बाजार क्षेत्र से अतिक्रमण पर कार्रवाई करनी होगी तो उसके लिए पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव होने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यातायात व्यवस्था को लेकर वर्तमान में सुगम यातायात और दीर्घकालिक योजना दोनों पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जिसको लेकर जल्द ही शहर में सुगम यातायात के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। की योजनाओं पे काम करने का मेरा विचार है। एक लॉन्ग टर्म जो 4 साल 5 साल 6 साल वाली है, जिसमें कि कुछ नए मार्गों का निर्माण के लिए हम प्रस्ताव भेज सकते हैं या जो अन्य एजेंसी हैं उनसे मिल बैठ के इस प्रकार का एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं जो भविष्य के यातायात को डिकंजेस्ट करें। दूसरा शॉर्ट टर्म है, जिसमें कि जो छोटे मोटे अतिक्रमण हैं सड़कों के किनारे किए गए या किसी कॉर्नर को या किसी चौराहे को थोड़ा चौड़ा करना हो या वहाँ पर अगर कोई हम इधर से कुछ चीज़ हटा के या कहीं कोई चीज़ जोड़ के ट्रैफिक को स्मूथ कर सकते हैं, इस पर हम स्पॉट बाय स्पॉट